योर वेट इज ओवर गाइज, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आप फिर से मेरे चैनल पे आ चुके हो गाइज। जैसा कि हमने देखा था, बाबा साहब जी ने काफ़ी मतलब आंदोलन किए वंचित वर्ग के लिए, जो पहला सत्याग्रह था पानी के ऊपर किया था। और वहाँ पे मैंने बताया था आपको, सभी लोग पानी पी सकते थे, यहाँ तक कि जानवर लोग भी पानी पी सकते थे। वो बाबा साहब जी का कहना था कि क्या कहते हैं, अगर ये सारे लोग पानी पी सकते हैं तो हम भी तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमें पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है। तो इसके लिए बाबा साहब जी ने एक सत्याग्रह चलाया था, मैं आपको बता चुका हूँ ये बात। और उन्होंने अपने दोनों हाथों से पानी पिया था, तो हो चुका है गाइस। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ गाइस, आगे क्या क्या है, और मैं उसके आगे उसके बारे में बताता हूँ गाइस। हाँ, और ये मेरा फोर्थ पार्ट है अंबेडकर जी के ऊपर गाइस। प्लीज़ सपोर्ट करो यार उनकी विचारधाराओं को, मतलब उनकी सोच को आगे बढ़ाओ गाइस, वो बहुत महान इंसान थे। हाँ तो गाइस, ये आपको मैगजीन दिखाई दे रही होंगी गाइस आपके जो सामने है, इससे बाबा साहब जी अपनी सोच को आगे बढ़ाते थे गाइस। वो वंचित वर्गों की आवाज़ बनते थे गाइस। वो कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो गाइस। तो वो मैगजीन्स के ज़रिए अपने विचारों को लिख के लेकर आते थे, उसके बाद मतलब वो प्रचार करते थे गाइस। तो इस तरीके से भी वो अपनी सोच को बढ़ावा देते थे, वंचित वर्ग को मतलब बढ़ावा देते थे कि वो भी मतलब आगे बढ़े, शिक्षित हो, संगठित हो, अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि वो एक बहुत ही पिछड़े हो चुके थे गाइस औरों के मुकाबले गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आगे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे लोग हैं गाइस, ये सारे अंबेडकर बाबा साहब जी की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे गाइस, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे बाबा साहब जी की बातों से। उनकी सोच जो थी गाइस एक नई उम्मीदों की सोच थी, क्योंकि वो भी एक ऐसे समुदाय के बीच में रहते थे जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था बहुत, तो ये भी उस भेदभाव से परेशान थे, तो उन्होंने बाबा साहब जी का काफ़ी सपोर्ट किया गाइस। तो इन्होंने भी बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाया। तो आगे देखते हैं गाइस और आगे क्या क्या है गाइस। ये फ़ोटो बाबा साहब की एक नई पहचान से जुड़ी है। इस फोटो में ये दर्शाया गया है कि बाबा साहब जी का नाम बाबा साहब कैसे पढ़ा गया, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम बाबा साहब कैसे पढ़ा। तो जो महाराष्ट्र में ना मतलब प्यार से साहेब बुलाते हैं, तो वो जो उनकी वाइफ थी रमाबाई, तो वो बाबा साहब को साहेब कहती थी, मतलब उस समय तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम था, तो साहेब कहती थी गाइस। और वो अपनी वाइफ को रामू बुलाते थे। तो गाइस क्या होता है कि जो उनकी वाइफ होती है, कुपोषण की वजह से उनकी देहांत हो जाता है 1935 में गाइस। तो बाबा साहब जी डिप्रेशन में चले जाते हैं, महीनों महीनों मतलब अपने कमरे में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कोशिश करते हैं अपनी वाइफ को बचाने की पर वो नहीं बच पाती। तो गाइस वो जो जिंदगी उनकी जो उस समय का जो मूवमेंट होता ना गाइस, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते गाइस। सोचो मतलब वो बहुत मतलब लगाव था उनका बाबा साहब का उनकी वाइफ के साथ, रमाबाई जी के साथ। तो फिर जब वो बाहर आता है महीनों के बाद, तो उनकी जो हालत होती है वो एक मॉन्क की तरह हो जाती है, मतलब एक साधु की तरह हो जाती है। तो साहिब तो उन्हें कहते थे, तो उन्हें बाबा जी, तो इसे प्लस करके बाबा साहिब कहा गया। तो गाइस यही है कि मतलब उनका नाम इसलिए बाबा साहिब पड़ा। तो ये एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सदमा था बाबा साहब जी के लिए हमारे गाइस। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट फोटो पे गाइस। ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब लग रखा है, जहाँ जहाँ बाबा साहब जी ने पढ़ाई की उसके बारे में दिखा रखा है। यहाँ पे अटेंडेंस का है बाबा साहब का, तो बाबा साहब थर्ड नंबर पे थे। और ये कोलंबिया का है जो उनको सम्मान दिया जा रहा है गाइस। हाँ, उन्हें डिग्री दी जा रही है डॉक्टरेट ऑफ लॉ की, थर्ड डिग्री थी उन्हें दी थी 5 जून 1952 को गाइस। तो ये कोलंबिया के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्हीं के एक छात्र ने एक देश का संविधान लिखा और सोशल रिफॉर्म्स किए, सामाजिक सुधार वगैरह किए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी गाइस। और उनको अपनी चौथी डिग्री मिली थी डॉक्टरेट की हैदराबाद में, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी से। तो गाइस देख सकते हैं सारी फ़ोटो वहीं की है, मतलब पूरा भी जो लगा रखा है गाइस। असाधारण अर्थशास्त्री के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गाइस, तो हमारे जो बाबा साहब थे द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स गाइस, वो इकोनॉमिक्स की फील्ड में फादर मतलब जो गॉड कह सकते हैं हम उन्हें इकोनॉमिक्स फील्ड का, वो भाई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे इस फील्ड में। उन्होंने काफ़ी सारे काम किए, जैसे भूमि सुधार हो गया, मुद्रा संरक्षण हो गया, मतलब टैक्सेशन वगैरह में काम उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, कर प्रणाली हो गई, जल संरक्षण हो गया गाइस, और विद्युतीय इलेक्ट्रिसिटी, और वास मतलब रोड वगैरह, रेलवे वगैरह, बैंकिंग
काफ़ी सारी फील्ड्स ऐसी हैं उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छा काम किया गाइस। आपको पता ही है आरबीआई की स्थापना भी मतलब बाबा साहब की उससे ही हुई थी, थीसिस की वजह से। तो गाइस देख सकते हैं आप, उन्होंने मतलब काफ़ी काम किया इस फील्ड में। तो इज़ अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो गाइस और हम देखते हैं और आगे क्या है। गाइस अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट फीचर की तरफ, अद्भुत सामाजिक समझ वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शिक्षा को मुक्ति और प्रगति का आधार मानते थे गाइस, और एक जिम्मेदारी शिक्षाविद के रूप में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी 1928, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945, मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज 1946 और औरंगाबाद में 1915 में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की। गाइस देख सकते हैं आप, बाबा साहब जी शिक्षा को बहुत बढ़ावा देते थे गाइस। उनका मानना था कि मुक्ति और प्रगति का आधार है शिक्षा। तो भाई वो शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज देते थे। उन्होंने काफ़ी कॉलेज की स्थापना भी करी जिसमें मैंने आपको बताया भी है अभी। तो मतलब बहुत प्रमोट करते थे एजुकेशन को, क्योंकि आप शिक्षित होगे तभी आप हक की मांग करोगे। तो उनका मानना यही था, तो उनको आप सभी अवेयर होगे उनका मानना था। तो गाइस आगे देखते हैं और आगे क्या क्या है। तो गाइस इस पिक्चर्स में बाबा साहब की उपलब्धियों के बारे में लिख रखा है कि वो मतलब उनकी सारी उपलब्धियां, मतलब इतनी मुश्किलें आने के बाद भी वो अपने अच्छे कामों में लगे रहे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी बाबा साहब की। क्योंकि बाबा साहब हर चीज़ फील्ड में काम करते थे, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रणाली हो, मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना वगैरह के काम में भी हो। तो मतलब हर चीज़ में वो है ना, मतलब लगे रहते थे अच्छे कामों में। तो यहाँ पे इसके यही लिखा हुआ है हमारे अंबेडकर जी के बारे में, बाबा साहब जी के बारे में। और आगे देखते हैं गाइस। गाइस यहाँ पे जो लिखा है बाबा साहब के बारे में, यहाँ पे गाइस बाबा साहब को एक दूरदर्शी नेता बताया गया है, जो उनके प्रयास किए गए धार्मिक नीति, विदेश नीति और हिंदू कोड बिल और कार्यालय में सुधार, रोजगार का वगैरह, मतलब काफ़ी सारे जितने भी सुधार हैं उनको देखकर बाबा साहब को एक दूरदर्शी नेता के रूप में यहाँ पे मतलब दर्शाया गया है। तो गाइस यहाँ पे भी कुछ लिखा है दूरदर्शी राजनेता, जैसे पिछला भी मैंने आपको बताया था वहाँ पे भी ये लिखा था, पर यहाँ पे कुछ अनोखी बातें और लिखी भी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति निष्ठा को धार्मिक व संस्कृति एवं अन्य सभी प्रधात्मक निष्ठाओं से ऊपर रखा। मतलब राष्ट्र के प्रति जो आपका निष्ठा है, मतलब आपका जो प्यार है, मतलब वो आपकी संस्कृति और आपके धर्म से भी ऊपर है। क्योंकि मतलब उनकी नज़रों में देश ही पहले है, बाबा साहब की सोच थी कि देश सबसे पहले है। आर्थिक सुधार, हाँ गाइस आर्थिक सुधार उन्होंने काफ़ी किए, काफ़ी मतलब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। पहले क्या है, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, मतलब बहुत सारी अनइक्वालिटी थी। तो उन्होंने इस फील्ड में भी काफ़ी काम किया कि आर्थिक रूप से बैलेंस होना चाहिए। तनख्वाह का भी उन्होंने काफ़ी किया, लेबर इतने घंटे काम, मतलब पहले जितने मर्जी घंटे काम कराया जाता था उन्होंने एक बैलेंस किया कि इतने घंटे काम होगा। विदेश नीति, पड़ोसी देश एवं किसान के कल्याण पर उनके विचार, गाइस उनके विचार भी किसानों के कल्याण के लिए, क्योंकि किसी भी देश को अगर चलाना है तो उसके किसान और जो मतलब जो नीची लोग हैं ना उनका होना बहुत ज़रूरी है गाइस। क्योंकि अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हैं ना तो स्कूल खाली प्रिंसिपल से नहीं चलता, उसमें स्टूडेंट्स होने चाहिए, मतलब सारी चीज़ों का एक अपना महत्व है। तो एक हर किसी चीज़ का एक अपना महत्व है। तो यहाँ पे बाबा साहब जी इसी कल्याण की बात कर रहे हैं। और गाइस अब आ गई मेरी फेवरेट चीज़, जो मेरे को बाबा साहब की सोच में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। आज लोग बहुत सारे एक मतलब बाबा साहब जी के नाम पे काफ़ी सारी चीज़ें चला रखी हैं, अलग अलग धर्म को प्रमोट कर रहे हैं बहुत सारी, पर उनको एक सोच बहुत क्लियर थी, प्रथम भारतीय व अंत में भारतीय। तो ये वाली जो सोच है ना, दृष्टिकोण, उन्हें एक दूरदर्शी राजनेता के रूप में उभारती है गाइस। क्योंकि एक बहुत कमाल की सोच थी, बहुत ही कमाल की, हम शुरुआत में ही भारतीय हैं और हम अंत तक भारतीय ही रहेंगे। बाद में हम किसी धर्म से रिलेटेड हैं, किसी समुदाय से रिलेटेड हैं। तो ये जो सोच है गाइस ये बहुत कमाल की है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है।
गाइस यहाँ फोटोग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पे बाबा साहब को अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है। कहीं वो कुशल राजनेता के रूप में, कहीं वो अपना जो काम है कर रहे हैं, और कभी मतलब काफ़ी सुधार कर रहे हैं लोगों के बीच में, समूह सुधारक ऐसा ऐसे मतलब लॉ मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके से बाबा साहब को दर्शाया गया है, क्योंकि वो फील्ड में बहुत ही मास्टर थे। मतलब उनके पास 4 डॉक्टरेट की डिग्री थी गाइस, वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो काफ़ी सारी चीज़ में मास्टर थे गाइस वो, तो वही दर्शाए गए यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे है राइट टू वर्क। तो गाइस पहले क्या होता था, मतलब कि महिलाओं को कम पैसा दिया जाता था और बदले में पुरुषों को ज़्यादा था। जैसे मान लीजिए एक IAS ऑफिसर है, पुरुष है तो उसकी सैलरी ज़्यादा है, और महिलाएँ हैं तो उनकी कम है। तो उन्होंने एक मतलब ये उन्हें गलत लगा, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने राइट टू वर्क की मतलब उन्होंने एक किया, मतलब उन्होंने राइट टू वर्क की एक पॉलिसी दी। तो इस वजह से मतलब सभी लोगों को समान एक क्या कहते हैं आपको पैसा मिलेगा। तो ये बाबा साहब की सोच थी गाइस, जिसकी वजह से आज हम इक्वालिटी की तरह मतलब हर किसी को एक समान आर्थिक रूप से पैसा मिल रहा है। तो ये बाबा साहब की सोच थी राइट टू वर्क की पॉलिसी। गाइस ये फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने ही हैं, तो इसे ये सफा दर्शा रही है इस बात को। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए जो बाबा साहब ने की थी। और अब हम आगे देखते हैं और भी क्या क्या किया हमारे बाबा साहब जी ने हमारे लिए। यहाँ पे और भी कमाल की बातें लिखी हुई हैं जो बाबा साहब से रिलेटेड हैं। युगंतकारी नेतृत्व साउथ बेस कमेटी व साइमन कमीशन से उनकी भेंट, मतलब बहुत कमाल के तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया और साइमन कमीशन का उन्होंने सपोर्ट किया था। हालांकि सब ने विरोध किया था, लाला लाजपत राय को वो लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। तो उन्हें लाठी खाते वक्त उनकी मौत भी हो गई थी, और मतलब बहुत बड़ी भीड़ हुई थी उनकी मौत पे। और गोलमेज सम्मेलन गाइस, उसमें बाबा साहब की सहभागी उन्होंने किया था। और गरीबों के अधिकारों के लिए कई संगठनों की स्थापना की थी, संगठनों की उन्होंने काफ़ी संगठन बनाए थे जो गरीबों की सहायता कर सके। अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने, जो मतलब मोस्टली आंदोलन उनके अहिंसक रहे हैं, हिंसा नहीं हुई है। और आंदोलनों का नेतृत्व तथा बॉम्बे विधान परिषद व संविधान सभा के सदस्य के रूप में उनके योगदान में उन्हें युगंतकारी राजनेता बनाया, और जो उन्होंने जिस चीज़ का भी मतलब जिससे भी आगे लेके गए, तो उसकी वजह से उनका जो नेतृत्व रहा वो युगंतकारी रहा गाइस। तो भाई बहुत कमाल के थे वो यार। गाइस यहाँ पे बाबा साहब की लास्ट स्पीच है, उसमें उन्होंने कहा था कि कहते हैं संविधान कैसा भी हो, पर उसे जो लागू करने वाले इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं ना, वही अच्छे होने चाहिए। उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अच्छे से मतलब उसे मैनेज कर पाएंगे। तो लास्ट स्पीच में उन्होंने कहा था। और ये जो आप पुतला देख रहे हैं गाइस, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये है, और ये इसे लंदन से मंगाया गया था। अगर आप इसे टच करोगे ना, तो इसमें आपको ह्यूमन जैसी फीलिंग आएगी कि आप एक किसी इंसान को छू रहे हो, पर इसे टच करना अलाव नहीं है। जब आप यहाँ पे आओगे ना, तो ये आपको काफ़ी कमाल का लगेगा, काफ़ी आकर्षित करता है यहाँ पे आने वाले लोगों को। और लास्ट स्पीच ज़रूर सुनना बाबा साहब की, आपको फील होगा कि यार ये तो सेम ही आवाज़ है एकदम, ऐसा फील होगा आपको।